जब बात पुलिस की आती है तो लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं, मगर दीपक दीक्षित नाम के व्यक्ति पुलिस में कांस्टेबल हैं जो कि शादीशुदा हैं और एक युवती को लगभग 3 सालों से शादी के झांसे में रखते हुए चले आ रहे हैं, जिसका मामला कोर्ट में भी लगभग 2 साल से चल रहा है। मगर कुछ दिन पहले झांसी में दीपक दीक्षित की माँ का एक्सीडेंट हो गया, जिसको लेकर दीपक दीक्षित और उसका साला अनुज कुमार त्रिपाठी युवती से मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट तुमने करवाया है, और दीपक दीक्षित ने युवती के भाई के ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है। युवती का कहना है कि यह मुकदमा फर्जी करवाया गया है, मेरा भाई निर्दोष है, उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जिसके संबंध में आज एडीजी के पास ये पीड़ित युवती तहरीर लेकर गई और अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय दिलाने की बात की। क्या मामला है आपका? दीपक दीक्षित नाम का एक पुलिस कांस्टेबल है जिससे मेरी शादी तय हुई थी, और शादी के नाम पे उसने मेरे साथ गलत काम किया और शादी भी तोड़ दी, जिसके खिलाफ मैंने 376 का मामला उसके खिलाफ दर्ज है। पिछले 1 साल से न्यायालय में, 2 साल से वो चल रहा है, ठीक है। आए दिन उसका साला अनुज कुमार त्रिपाठी और वो दोनों मिलकर किसी न किसी जरिए से हम लोगों तक धमकी पहुंचाते रहे। पहले भी पहुंचाई कि तुम्हारे भाइयों को कि झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ मैंने काफ़ी कई बार शासन में खुद भी दी है जाके, और भेजी भी, स्पीड पोस्ट भी किया, लेकिन उसके खिलाफ़ कुछ नहीं हुआ। अब उसने क्या किया है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया झांसी में, जिसको उसने हत्या का रूप देके मेरे भाई के खिलाफ 302 का मुकदमा झांसी चिड़गांव में दायर करवा दिया है, और अब वो मेरे हम लोगों को परेशान धमकी करवा रहा है कि अब तो समझौता करना ही पड़ेगा, अब चाहे जो हो जाए। जब चिड़गांव थाने में मैं गई तो वहाँ से मुझसे कहा जा रहा है कि अब देखो 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है, तो अब तुम समझ लो तुमको क्या करना है, ये सब मुझसे कहा जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने एडीजी सर को आज करी है जाकर, ठीक है। वहाँ पे मुझे पीआरओ सर मिले, उन्होंने मुझसे कहा मैंने कि आपकी शिकायत को दर्ज करके वहाँ चिड़गांव में आपकी शिकायत को पहुँचाया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ में मुकदमा करवा, जबकि उन्होंने पहले भी रिपोर्ट जो लगाई थी, जो इन्होंने झूठे IGRS में कि इन्होंने झूठे मुकदमे करवाए हैं, शुरू से झूठे मुकदमे करवा रहे हैं ताकि हम लोगों पर दबाव बराबर पड़ता रहे। उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम नहीं, वो तो शादी कर चुका है, उसने ऑलरेडी कर ली है शादी, क्योंकि उसके ऊपर 376 का मुकदमा चल रहा है और एक डॉबरी वाला चल रहा है, तो उन दोनों मुकदमों में हम समझौता कर ले। 3 साल से हम समझौता नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे उसे सज़ा दिलानी है जो उसने मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ में किया, मुझे सिर्फ उसको सज़ा दिलानी है। उसके एवज में वो बस चाहता है कि किसी तरीके से हम वो सब चीज़ें वापस ले लें और हम उन लोगों से बिल्कुल भी हम लोगों के ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। आए दिन उसका जो साला है वो बर्रा थाने में आसपास मेरे घर के आसपास अपनी गाड़ी लेके, वाइट कलर की उसके पास कार भी है, उसको लेके घूमा करता, आए दिन हमको दिखता, बाईपास में खड़ा रहता, बर्रा बाईपास में, चूँकि उसका घर भी उधर ही साइड में है ना, बस्ता के आगे, लेकिन वो इधर घूमा करता है। पहले जब बर्रा थाना मेरे घर के पास था तो आए दिन हमको दिख जाता था, वहाँ से निकला करता था, तो हमें अक्सर कर दिख जाता था, मेरे भाई को दिख जाता था। कानपुर से शीनू शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।